हर साल की तरह ये एग्जीबिशन भी बिल्कुल सुपर सक्सेस जाएगा, लास्ट ईयर से ज़्यादा क्राउड रहेगा और ऑलरेडी फर्स्ट डे के हिसाब से काफ़ी अच्छी हाइप हो चुकी है एग्जीबिशन की। इस रीज़न मेनली उसका नवी मुंबई के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे जो डेवलप होता जा रहा है, इट्स गोइंग वेरी गुड एंड एयरपोर्ट की सब जो परमिशंस थी हो चुकी है, सेंट्रल पार्क गोल्फ कोर्स जैसी चीज़ें नवी मुंबई में बन चुकी है, मेट्रो रेलवे आ रहा है जल्दी। उसके अलावा जो सीलिंग का सीएम साहब ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है, इट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर नवी मुंबई एंड स्पेशली फॉर दिस एग्जीबिशन। एग्जीबिशन से कुछ दिन पहले ये जो अनाउंसमेंट आया है, सो आई होप कि इट्स विल चेंज द सीनरी ऑफ नवी मुंबई और आने वाले दिनों में ये एग्जीबिशन की वजह से नवी मुंबईकर्स, बिल्डर्स और जो भी बायर्स हैं उनके लिए एग्जीबिशन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उनको देखने को मिलेंगे एंड आई होप दिस विल चेंज द सीन ऑफ नवी मुंबई। आई होप इट्स क्रॉस 2 लाख पीपल इन दिस टाइम। देखिए नैना जो सिडगुर ने नया अनाउंसमेंट किया है उसमें भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, जैसे हमारा पनवेल में साई वर्ल्ड सिटी 44 एकड़ के ऊपर बन रहा है प्रोजेक्ट। अभी तक के 44 एकड़ में कोई भी प्रोजेक्ट नवी मुंबई में कहीं आया नहीं है इस टाउनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये नवी मुंबई का ऑलमोस्ट बोलेंगे तो पहला ही टाउनशिप होगा और ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस टाइप के और प्रोजेक्ट्स आएंगे। खारगर में भी हमने जैसे एक 18 एकड़ के ऊपर नया प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्च किया आज और हमें ऑलरेडी पनवेल साई वर्ल्ड सिटी में काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल चुकी है। कोई एक्सपेक्टेशन लेके तो यहाँ पर नहीं है, एक ही एक्सपेक्टेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें अपना विज़न दिखा सके। जैसे हमने कुछ लास्ट ईयर से वर्ल्ड के अलग अलग लैंडमार्क्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं, जैसे 2 साल पहले हमने बाली का जो फ्लोटिंग कबाना से वो यहाँ बनाए थे, उसके बाद में लास्ट ईयर हमने रोम का कोलिज़म बनाया था। इन दोनों ईयर्स में पब्लिक का काफ़ी हमें रेस्पॉन्स मिला और काफ़ी सारी पब्लिक देखने को मिली, स्पेशली लोग जो एक दिन आके गए दूसरे दिन अपनी फैमिली को लेके आए फोटोज़ भी निकालने को, प्रोजेक्ट्स भी संभलने को। और इस बार हमने रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग का खजान कैथेड्रल में है वो बनाया है एंड ये वहाँ की पार्लियामेंट का आउटसाइड जो फसाड है वो है। पर्पस इसके जरूर एक ही है कि अगर हम लोग 4 दिन के लिए 8 से 10 दिनों में इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स अगर हम बना सकते हैं तो जो लोग हमारे पास घर खरीद रहे हैं हमारे थीम्ड प्रोजेक्ट्स में, साई वर्ल्ड सिटी, साई वर्ल्ड एम्पायर, साई मन्नत, साई वर्ल्ड रिट्रीट, तो उसके अंदर हम लोग जो परमानेंट उनके लिविंग के लिए जो ग्लोबल लाइफस्टाइल देना चाहते हैं वो हम प्रूव करना चाहते हैं यहाँ से कि हम उस तरीके के काम आपको हम कंप्लीट करके देंगे और उनका सपना एक डिफरेंट तरीके से पूरा करेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग पे हमेशा से ही फोकस रहा है, इस बार नहीं पहले भी रहा है, लेकिन जैसे कि देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो सिटी के बीच में नहीं आ सकती, वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहती है, पर जिनको घर लेना है वो अफोर्डेबल होगा तो जरूर अफोर्डेबल लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का प्रेफरेंस सिटी के अंदर ही है। या सबसे ज़्यादा हाइप खारगर है एंड सेकेंड अभी पनवेल की काफ़ी अच्छी डिमांड दिखने को मिल रही है, क्योंकि जो कन्वर्शन है वो तो बाद में पता चलेंगे लेकिन काफ़ी लोग पनवेल के लिए इंक्वायर कर रहे हैं इस मार्केट में। गली में कभी तेरा जाना।
खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो गए बस ये सबसे पहले वाला दिन रहता है वो दोपहर तक थोड़ा शांत रहता है क्योंकि उसमें इनाग्रेशन फंक्शन होता है और हर आदमी थोड़ा बहुत अपने स्टॉल को देखता है, संवारता है, उसमें आधा दिन निकल जाता है। आधे दिन के बाद ही रनिंग डे रनिंग ऑफिसेस रहती है, उसके बाद ही जैसे लोग 3-4 बजे के बाद निकलते हैं तो 4 बजे के बाद ही मोमेंटम चालू होता है पब्लिक का। क्राउड अभी क्वांटिटी में तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा पहले से ज़्यादा आएगा, पिछली एग्जीबिशन से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी नया साल आया है, 2016 जो आया है नई उम्मीदें लेके आया है, नई किरण लेके आया है, तो वही उम्मीद पे हम जिंदा है। संजाओ, और पैराडाइज ग्रुप के क्या खासियत, क्या प्रोजेक्ट्स है इसे? हमारी पैराडाइज ग्रुप का तो क्या है, ऑल 365 डेज जैसा घड़ियाल की टिक टिक चालू रहती है, वैसे हमारी प्रोजेक्ट कंटिन्यूस चालू रहती है।
हमारे लिए तो मतलब जैसा भी वक्त होए, लेकिन हमारा तो कंटिन्यूटी रहती है प्रोजेक्ट्स में, और अभी भी चालू ही है, प्रेजेंटली 16 प्रोजेक्ट्स चालू है। ओके सर, नवी मुंबई में या नवी मुंबई के बाहर सबसे हाइप्ड एरिया या सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया के डिमांड्स चालू है आपके हिसाब से? भाई प्रेजेंटली तो मेरे हिसाब से तो न्यू पनवेल, पनवेल वहाँ पे ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये स्मार्ट सिटी का दर्जा उसको देंगे, और उसके पहले जैसे हमने 6-8 महीने से हमने प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च किया है, तो हमें लगता है हमारे आने के बाद तो डेफिनेटली वहाँ पे जो तरीके से हमने कैंपेन चालू किया है सेल के लिए, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और वहाँ पे ज़मीन पे पांव रखा है तो ज़मीन ऑटोमेटिक गर्म हो गई है, और इसके पहले भी हमारी वहाँ 50 से ज़्यादा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। ओके